है मेरे पास फ्यूलेक्स प्रो, जो कि हमारा जो लो टॉर्क का प्रॉब्लम है उसको काफ़ी कुछ इम्प्रूव करेगा। ये फ्यूल एफिशिएंसी और एयर जो मिक्स होके जाती है इंजन के अंदर उसकी एफिशिएंसी को ये बढ़ाता है। तो ये लैम्डा के अंदर ये फिट हो जाएगा जो ECU को बाईपास कर देगा। काफ़ी शोर है चारों तरफ। तो ये काम आज हम करवाने आए हैं और कैसे होगा ये पूरी डिटेल्ड वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा। और हेलो एवरीवन, जाट ऑन व्हील्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आए हैं विजय ऑटो, ये मेरे सामने है विजय ऑटो, और मैं जो काम करवाने आया हूँ ये है मेरे पास फ्यूलेक्स प्रो दिखाऊंगा। और इसके उससे पहले मैं फ्यूलेक्स खोल के दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या है। तो ये मेन बॉडी है, मेन पार्ट है फ्यूलेक्स का, और ये स्विच है, और इसके अलावा इसमें सारे ये कनेक्टर्स हैं, ये जो लैम्डा के अंदर लगेंगे बाईपास हो जाएगा, और ये हमारा मेन इसमें लग जाएगा, ये अपने जो स्विच के अंदर ये है हमारा स्विच वाला पार्ट। और इसके अलावा जो हमारे मेन बॉडी है वो दिखा देता हूँ मैं। तो ये हमारा मेन फ्यूलेक्स प्रो पावर टोनिक का मेन बॉडी है हमारी, और इसको हम फिट करने जा रहे हैं अपनी बाइक में। और ये सारा इसके कनेक्टर्स हैं साथ में, और ये स्विच है जो 10 मोड में आता है। तो ये सारा हम फिट करके दिखाएंगे, साथ में आपको मैनुअल दिया हुआ है एक, तो कैसे कैसे करना है ये सारा इसके मैनुअल्स में दिया हुआ है, ये देख लेते हैं। मैं मैनुअल्स में ये सब तरीका बताया गया है आपको कैसे फिट करना है, ये सारा इसमें क्या क्या चीज़ हैं, फ्यूलेक्स मॉड्यूल है आपका, हैंडल बार, मैप, स्विच है, और वायरिंग हार्नेस है, ये सारा कुछ दिया हुआ है, और जिप टाई है, और इसके अलावा किक स्टार गाइड है। तो ये कैसे कैसे लगेगा ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं। और इसमें 10 मॉड्यूल्स हैं, मैप नंबर 1-2, मैप नंबर 10, और जो स्टॉक है वो 3 नंबर है, 3 नंबर में जो कंपनी ने फुली सेट करके दे रखा है। अगर आपको एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ानी है तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जा सकते हो, सबसे ज़्यादा 10 है और सबसे कम 1 है। तो चलते हैं अपने विजय भाई के पास और अपना जो फ्यूल टैंक है उसको उतरवाते हैं, उसके नीचे है लैम्डा, और वहाँ से फिर हम अपना इसको सारा फिटिंग करवाएंगे। तो चलते हैं उधर। तो विजय भाई ने काम शुरू कर दिया है, और ये फ्लैप हटा दिए हैं टैंक से, ये सबसे पहले ये फ्लैप हटेंगे दोनों साइड के, उसके बाद ये टैंक को हटाना पड़ेगा, पूरी तरह से नहीं हटाएंगे, और ये इसमें से ये रिमूव करना पड़ेगा, इसमें जो ये फ्यूल की पाइप्स गई हुई हैं इसको भी हटानी पड़ेगी, तभी ये हटेगा ये दोनों। ये आसान है ना, बिल्कुल वो नई गाड़ी का उसने बिल्कुल वो कर रखा है। इस टैंक रिमूव करने के लिए 3 बोल्ट हटाने पड़ेंगे, एक ये हो गया यहाँ पे, और एक ये है, एक पल्ली तरफ है, 3 बोल्ट हटा के टैंक को रिमूव करेंगे। क्या कहते हैं इसको, वो फ्यूल पंप का कनेक्टर होगा। हाँ, फ्यूल पंप का कनेक्टर, सही है। तो एक फ्यूल पंप का कनेक्टर डिसकनेक्ट किया है, पकड़ लें। तो लैम्डा का ये कैलिपर हमें मिल गया है, इसको हटाना पड़ेगा हमें, ये नीचे कवर नहीं करेगा उसमें कोई नहीं। तो दोनों कैलिपर अलग अलग कर दिए हैं, और इसमें हम अपना फिट करेंगे फ्यूलेक्स। इसको साफ़ कर दो पहले कनेक्टर को, कपड़े से साफ़ कर देना। चलो, तो ये हम अपने लैम्डा के अंदर लगाएंगे, और इसकी जो वायर ये कनेक्टर है दूसरा, ये हमारे मेन मॉड्यूल में लगेगा, और जो पीछे हम रखेंगे इसको। तो अभी हम लैम्डा के कनेक्टर से कनेक्ट कर रहे हैं अपने फ्यूलेक्स को, मेल से फीमेल, फीमेल तो मेल के साथ। तो ये दोनों कनेक्टर हो गए हैं कनेक्ट लैम्डा के, और टैंक के नीचे का काम हो गया है हमारा पूरा, अब वायरिंग को सेट करना है इसको बस।
यह टैंक सबसे बाद में बंद होगा, पहले सारे टायर के जॉइंट वहाँ पहुँचेंगे आराम से। पहले हम स्विच लगा रहे हैं अभी। तो इस तरह से हमने अपने फ्यूलिक्स स्विच को फिक्स कर लिया है अपने लेफ्ट हैंड पे। ये देखिए इसमें दो बोल्ट लगे हुए हैं और अब ये वायरिंग जाएगी हमारे टैंक के अंदर से। बहुत टाइट हो गया और ये वायरिंग अब टैंक के नीचे से हम पीछे तक बैटरी के बैक साइड तक लेके आएंगे अपने मॉड्यूल तक। ये लैम्डा का कनेक्टर है, एक है स्विच का, ना दोनों कनेक्ट कर दिए ना। बढ़िया, ये पर यहाँ से ले लो। नहीं इधर सही है। तो इस तरह हमारी हो गई पूरी फिटिंग, अब चला के देखो। एक मिनट, अभी पहले वो तार लगे। हाँ, तार लगा के फिर चला के देखेंगे। करो और ये फर्स्ट टाइम करूँ स्टार्ट, नोटेल है। हाँ, कोई इश्यू फेलियर नहीं आ रहा है, सब कुछ ओके है ना। तो इस तरीके से हमारी फिटिंग हो गई है पूरी और अब पूरी पैक करके अब हम इसका राउंड लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा कि क्या कितना फ़र्क पड़ा है पहले विदाउट फ्यूलेक्स से और अब फ्यूलेक्स के साथ। क्योंकि मैंने मोर देन 1200 या 1500 मैंने बाइक को राइड कर चुका हूं और अब पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है मोस्टली, क्योंकि इससे पहले डोमिनर चलाता था और अब ये KTM ADB 390। तो अब विद फ्यूलेक्स इसमें क्या मतलब डिफरेंस आया, तो वो मैं आपको अभी राइड के बाद बताऊंगा। राइड के साथ चलते चलते बात करेंगे आपसे। हाँ भी विजय, हेलो कर दे एक बार। हेलो, तेरा क्या नाम है? अभिषेक। वाह अभिषेक, तो दोनों भाइयों ने मिलके ले लगाया फ्यूलेक्स, तो चलते हैं अब राइड पे। तो गाइस, कल आपने देखा मैंने जो फ्यूलेक्स प्रो को इंस्टॉल कराया था, ये इसका मेन स्विच है और ये तीसरे मॉडल पे चल रहा है। और मैंने कल भी काफ़ी बाइक चलाई है और आज भी बाइक चलाई है, तो मुझे तो काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ है इसमें। जैसे ये फर्स्ट पे मैं चला रहा हूँ, पहले 12-13 पे, पहले मैक्सिमम 13 पे बंद हो जाती थी, अब 10 पे देखो बिना क्लच के चल रही है। ना मैंने क्लच दबा रखा, ना मैं रेस दे रखी है, फिर भी अपने आप चल रही है। नहीं तो इससे पहले नॉकिंग कर कर के बंद हो जाती थी और अब काफ़ी मतलब कि इम्प्रूवमेंट है। ऑलमोस्ट मेरी जो प्रॉब्लम थी लॉ जो टॉर्क की है, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई है। अब मैं सेकंड करता हूँ, ये है हमारा सेकंड, तो सेकंड देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो सेकंड भी मैंने बिना रेस के चला रहा हूँ मैं अभी, ये भी 14 पे देख लो, नहीं तो आप सोच नहीं सकते 14 पे हमारी KTM एडवेंचर चल जाएगी विदाउट एनी जो एक्सीलेटर और क्लच दबाए के। देख लीजिए ये चल रही है सेकंड पे, अब हम चलते हैं थर्ड पे। ये हो गया हमारा थर्ड और ये मैंने अपना एक्सेलरेशन बंद कर दिया है और क्लच भी नहीं दबा रखा, लेकिन अभी नॉकिंग करने लगी है, लेकिन बंद नहीं हुई है, हल्की हल्की नॉकिंग शुरू हो गई है 21-22 पे। अभी ये देख लो
21-22 पे चल रही है। तो यार पहले हम सोच नहीं सकते थे 30+ करना पड़ता था, तो अभी हम फोर्थ पे चलते हैं, फोर्थ गियर करते हैं। और ये हमने एक्सेलरेशन बंद कर दिया है और गियर भी मैंने अभी क्लच भी नहीं दबाया है। अभी नॉकिंग करने लगी है बहुत ज़्यादा। बस जो लोअर थ्री गियर्स हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो बहुत ही इम्प्रूवमेंट है। और मेरा अभी 3 मॉड्यूल पे है, ये जो स्विच है 3rd मॉड्यूल पे चल रहा है, जो स्टॉक कंपनी का है 3rd मॉड्यूल, उस पर मैंने किया हुआ है इसको एडजस्ट। तो मैंने जो फ्यूल एक्स प्रो लगाया है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये आपकी बाइक की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, लोड टॉर्क को आपको इंक्रीज करता है। और इससे पहले हमने अपना डी क्लच स्विच को चेंज कराया था, उससे भी बहुत ही बेनिफिट मिला हमें, जो स्टॉलिंग का इशू था वो भी सॉल्व हो गया ऑलमोस्ट। और उसके बाद तो बिल्कुल हमारी बाइक बंद नहीं हुई है, स्टॉल नहीं हुई है। और ये फ्यूल एक्स लगाने के बाद तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में, लो टॉर्क में, वाह मज़ा आ रहा है अभी तो। फुल पैसा वसूल है फ्यूल एक्स प्रो। तो आप जो इसका मिनी भी आता है वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि 3rd पे चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर आपने अपना साइलेंसर चेंज कराना है तो उस केस में आपको ये प्रो की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको तब मॉड्यूल 8 या 9 रखना पड़ेगा, उस केस में आपको मिनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको फ्यूल एक्स प्रो लेना पड़ेगा। और अगर आप आफ्टर मार्केट इसका फिल्टर, एयर फिल्टर लेते हैं, उस केस में भी आपको फ्यूल एक्स प्रो ही यूज़ करना पड़ेगा। और मिनी अगर आपको लगाना है तो उसमें आप चला सकते हैं, उसमें आप अगर कोई छेड़छाड़ ना करें, जैसे कि आप आफ्टर मार्केट इसका एयर फिल्टर या आप साइलेंसर चेंज नहीं कराते, तो आपका फ्यूल एक्स मिनी भी काम करेगा, बिल्कुल 100% काम करेगा। आप फुल्ली रिकमेंडेड है और आप यूज़ कीजिए, मज़ा आएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है लो टॉर्क में, मुझे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उससे पहले तो बहुत यार प्रॉब्लम थी। और मैं देखिए जब से बाइक लिए तब से कुछ ना कुछ मैं लगा हुआ हूँ इस बाइक को अपने हिसाब से चलाने के लिए, जबकि मेरी डोमिनार थी उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। ये था हमारा इंस्टॉलेशन ऑफ फ्यूल एक्स प्रो एंड जो मेरा छोटा सा रिव्यू था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ये कमेंट करना, कोई भी आपकी क्वारी हो, कुछ भी आपने जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मेरे जो इंस्टा का हैंडल है वो जाट ऑन व्हील, जाट अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर व्हील, नॉट व्हील्स, तो उस पे जाके मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप मैसेज करेंगे तो मैं आपकी हर क्वारी का रिप्लाई करूँगा। तो अंत में दोस्तों, राइट हार्ड राइट से, वंदे मातरम एंड जय हिंद, सायोनारा।